बाईपास पर सर्वे नंबर में हेरा फेरी कर शासकीय जमीन को बेच दिया। मामला धार जिले के बाग का है, जहां नगर के व्यक्ति द्वारा बेशकीमती शासकीय जमीन को अपनी जमीन बताकर करोड़ों में बेच दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब सर्वे नंबर 30-31-32 का पारिवारिक विवाद में सीमांकन के लिए टीम से सीमांकन करवाया गया, जिसमें सर्वे नंबर 29 सर्वे नंबर 30 के नीचे होने से आवेदक को शंका हुई। जिस आवेदन देकर आवेदक फिरोज मेवाती ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को अवगत कराया कि मैंने नायब तहसीलदार बाग को मैं दस्तावेज के आवेदन सौंपकर बाग में बाग बाईपास रोड पर स्थित बेशकीमती शासकीय भूमि का सर्वे नंबर 89/1 का रकबा 14.881 हेक्टेयर है। इस शासकीय भूमि को अपनी निजी भूमि बताकर सर्वे नंबर 29 के भूस्वामी ने अपनी जमीन बताकर राजस्व नक्शे से कोर्ट रचना कर कुछ लोगों को बिक्री कर दी। आवेदक फिरोज खान ने पत्रकारों को बताया कि सीमांकन के दौरान पटवारी ने सर्वे नंबर 89/1 को शासकीय जमीन होने की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देते हुए शासकीय भूमि पर मकान निर्माण होने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि मुंह मांगे दामों पर जमीन खरीदने वाले लोगों के साथ भी विक्रेता ने धोखा से रजिस्ट्री करवाकर निर्माण कार्य भी करवा दिया है। 2 माह के पूर्व में भी बाग नगर के अन्य लोगों ने भी जिला कलेक्टर को आवेदन देकर बाग बाईपास रोड पर निजी जमीन बेचकर रजिस्ट्री करवाकर कब्जा शासकीय बेशकीमती जमीन पर देकर मकान के निर्माण शुरू करवा दिए। राजस्व विभाग को मामला संज्ञान में आते ही इधर शासकीय भूमि पर बने मकानों को नोटिस भी जारी करने की बात सामने आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा निजी जमीन को बेचकर जमीन की रजिस्ट्री करवाकर शासकीय भूमि पर कब्जा देने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। नायब तहसीलदार गायकवाड़ की जानकारी मिली है कि संबंधित व्यक्ति ने आवेदन भी दिया है, आवेदन कलेक्टर साहब के यहाँ भेज दिया गया है। मेरे बाप दादा की थी, उसका जो विवाद चल रहा था जमीन का, उसी दौरान अगले पक्ष ने सीमांकन की मांग की थी सरकार द्वारा, तो सीमांकन की जगह सीमांकन हुआ था बाईपास ऊपर जमीन के ऊपर। सीमान के दौरान पटवारी ये पटवारी साहब और गिरधारी वगैरह इन्होंने सीमांकन करा था, उस पर जो 29 नंबर की जमीन है उस बेल्डे के ऊपर है 30 के ऊपर, और वही 29 नंबर की जमीन को पड़ोसी ने ती रोड पे फ्रंट पे शासकीय भूमि बेच दी है, और उस पर निर्माण भी हो चुका है। 4-5 4-1 प्लाट बन चुके हैं 29 नंबर में, जिसमें कि वो पहाड़ी के ऊपर है, और उसने रोड के जस्ट फ्रंट पे ये मकान बेच दिए और करोड़ों रुपए में बिक्री कर दी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपको कब पता चला कि 29 नंबर सर्वे नंबर ऊपर है उसके बावजूद शासकीय भूमि को बेचा गया? ये सर्वे नंबर जब सीमांकन की जो मांग की थी अगले जो पक्षन है, जो विवाद चल रहा था 30-31-32 का, जब सीमांकन के दौरान मालूम पड़ा हमें कि ये जमीन ये मकान तो 29 नंबर ऊपर आ रही है और ये तो शासकीय में बन गए है। मौके पर कोई अधिकारी मौके पे पटवारी वगैरह अधिकारी थे, पटवारी वगैरह ये जो सीमांकन के लिए जो भी है, तो 4-5 पटवारी गिरधारी थे वो मौके पे थे। उन्होंने ही बताया कि ये मकान जी जो है 30 के सामने बन गए और ये शासकीय में बने हुए हैं। अभी उनको कोई नोटिस वगैरह दिया है? अगले पक्षों ने मतलब सामने वाले ने नोटिस वगैरह इनको दे चुके हैं, एक नोटिस इनके पास जा चुके हैं, और अपन भी यही चाहते हैं कि इनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिसने भी बेची है जो 29 नंबर जो जमीन है, जो 29 नंबर इनका बट्टा है वो पर्सनल है, बाकी वो है ऊपर पहाड़ी के ऊपर, और उन्होंने वही जमीन को रोड पे करोड़ों रुपए की जमीन बेच दी है। सीधा सा आरोप है कि शासकीय भूमि को करोड़ों शासकीय भूमि को करोड़ों रुपए में बेचा है इन्होंने, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।